काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी केस में नया मोड़ आ गया है। हिंदू पक्ष की याचिका पर 6 और 7 मई को मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी का आदेश दिया गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध जताया है और कहा है कि किसी भी कीमत पर वो किसी को भी मस्जिद के अंदर घुसने नहीं देंगे। आखिर क्या है पूरा मामला और आखिर क्यों इस मुद्दे पर रात ठनी हुई है, रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। अयोध्या के बाद अब एक और धाम की मुक्ति की बारी। 6 और 7 मई को काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की होगी वीडियोग्राफी। मुस्लिम समाज ने कोर्ट के आदेश का किया विरोध। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर 6 और 7 मई को काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी। कोर्ट के इस आदेश पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है और कमीशन को मस्जिद में न घुसने देने का ऐलान किया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के संयुक्त सचिव SM यासीन ने कहा है कि वो वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण के लिए किसी को भी मस्जिद के अंदर घुसने नहीं देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो अवहेला हो गई। भाई अगर ऐसा है कि अगर कोई ऑर्डर कर दे, कोई भी ऑर्डर कर दे कि जाइए यासीन साहब की गर्दन काट ले आइए, तो क्या हम विरोध नहीं करेंगे कि गर्दन दे देंगे? तो भाई अगर ये अवहेला हो गई, अगर ऐसा कुछ परिणाम भी होगा तो देखा जाएगा। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने पिछले साल 18 अगस्त 2021 को इस मामले में सुनवाई की थी। कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए मंदिर मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया था, लेकिन उस फैसले पर अमल नहीं हो पाया। इसके बाद कोर्ट ने 26 अप्रैल को इस मामले में फिर से सुनवाई की। कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को बहाल रखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर समेत श्रृंगार गौरी मंदिर के सर्वे करने का आदेश दिया था। आदेश के मुताबिक सर्वे के दौरान परिसरों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की जाएगी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सर्वे के इस काम को 6 मई को किया जाएगा। अगर उस दिन किसी वजह से काम पूरा न हो पाए तो अगले दिन यानी 7 मई को इस काम को पूरा किया जाएगा। कोर्ट ने वादी प्रतिवादी दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर इस मामले में सर्वे करने वाले कमीशन का सहयोग करने का भी आदेश दिया है। माननीय न्यायालय का पक्ष है कि जो तहखाना है जिसमें ढेर सारे विग्रहों का, दृश्य अदृश्य देवताओं का वहाँ विग्रह पड़ा हुआ है, उसमें भी जाए और मस्जिद के जो कथित मस्जिद है ज्ञानवापी उसके संपूर्ण भाग में जाए। और इसके लिए विपक्षी ने तो न्यायालय में स्वीकार किया है कि कोई भी हिंदू मुस्लिम कोई भी जा सकता है मस्जिद के अंदर, ऐसा रोक तो है नहीं। 1937 में स्थानीय अदालत में दीन मोहम्मद एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के लिए तत्कालीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए मुकदमा किया गया था। उस मुकदमे में पूरे परिसर में नमाज अदा करने की याचिका लगाई गई थी, साथ ही पूरे परिसर को मुस्लिम पक्ष को दिए जाने की भी याचिका थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष जब किसी भी तरह का साक्ष्य नहीं दे पाए तो कोर्ट में ये याचिका खारिज हो गई। फिर हाई कोर्ट का रुख किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1942 में कहा कि वहां कोई भी गतिविधि नहीं की जा सकती, केवल 3 लोग ही नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन अभी के वक्त में काफी लोग नमाज अदा करते हैं और कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हैं। फिलहाल सुनवाई के दौरान स्थानीय कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी मंदिर मसले पर फैसला सुनाते हुए श्रृंगार गौरी समेत बाकी विग्रहों और स्थानों की वीडियोग्राफी और कमीशन के संबंध में अपने पुराने आदेश को जारी रखा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।